स्पेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कप्तान। हम गुजरात साइंस सिटी से स्वागत है। मैं हूं आपका कप्तान। हम गुजरात साइंस सिटी से उड़ान भरने जा रहे हैं और अब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के परिक्रमा करेंगे। कृपया अपनी सीट पे बांध ले और टेक ऑफ के झटके के लिए तैयार हो जाएं। रॉकेट की फायरिंग से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अपने को मुक्त कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण से निकलने वाली वेग वृद्धि करेंगे। इसके बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। पायोनियर 10 की तरह हम सबसे पहले शुक्र ग्रह तक जाएंगे और अधिकतम वेग बढ़ाएंगे ताकि तीव्रता में अधिकतम वृद्धि हो। लीजिए, शुक्र ग्रह हमारी आंखों के सामने है। शुक्र सूर्य के सबसे करीब दूसरा ग्रह, आकार में पृथ्वी से जरा छोटा लेकिन अधिक गर्म, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। वेग वृद्धि के लिए हम शुक्र की परिक्रमा करेंगे और सीधे बृहस्पति की तरफ उड़ान भरेंगे। दोस्तों, हम लाल ग्रह के करीब से गुजर रहे हैं। यह है मंगल, जहां हम वापसी के सफर में उतरेंगे। अब हमारी यात्रा जरा उबड़ खबड़ है। इस वक्त हम मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच उल्का बेल्ट से गुजर रहे हैं। आप जरा कस के पकड़ के बैठो। बृहस्पति की उपग्रहिका है। जरा बृहस्पति पर नजर डालो। सौरमंडल का विशालतम ग्रह पृथ्वी से काफी बड़ा। आप जो घने रंगीन बादल देख रहे हैं, ये उसकी बाहरी वायुमंडलीय परतें हैं। इसके अंदर विशाल गैस बॉल है, बृहस्पति का सम्मिश्रण सौर नेबुला जैसा, जहाँ से समूचा सौर मंडल जन्मा है। आइए हम इस ग्रह का एक चक्कर लगाकर अपनी गति और बढ़ा ले और शनि की ओर बढ़ चले। यह है शनि ग्रह, बृहस्पति से छोटा लेकिन बनावट एक जैसी। यह विशाल गैसीय ग्रह भी घने बादलों से ढका है।
यह जो विशाल उपग्रहिका दिख रही है यह टाइटन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह खूबसूरत वलय और कुछ नहीं लाखों नन्हे नन्हे कण है बर्फ से ढके हुए जो आपस में टकराते रहते हैं। आइए और आगे बढ़े। यह है वरुण या यूरेनस अपने नौ वलयों में सजा धजा। यह रहा नेपच्यून। वायुमंडल में मीथेन गैस की वजह से इसका रंग नीला नजर आता है। नेपच्यून में 13 चांद मौजूद है और इसमें बेहद सकरा और धुंधला वलयमंडल है। अब यहाँ से गुजरते हुए जरा करीब से प्लूटो को देखें। पहले इसे नोवा ग्रह कहते थे लेकिन अब हम इसे बौना ग्रह मानते हैं। वैसे प्लूटो किसी भी नजरिए से सौरमंडल की अंतिम सीमा नहीं है। इन दिनों क्यूपर्स बेल्ट में क्वावा, वरुणा, सेदना, जेना वगैरह नए नए खगोलीय पिंड स्थित है। बेल्ट पर नजर डालें और सौर्यमंडल के अपरूप सौंदर्य निहारें। अंतरिक्ष यात्रियों, इस नन्हे से नीले बिंदु को ध्यान से देखें। यही हमारी पृथ्वी है। देखा ना, समूचे सौर्यमंडल में हम कितने गौण हैं। आ पड़ी है, शायद नजदीकी कहीं एक ब्लैक होल है। सावधान हो जाए, हमारा जबरदस्त रॉकेट इस आफत से अलग होने की कोशिश करेगा। डरिए नहीं, हम पूरी रफ्तार में हैं और हम सफल होंगे। जिस चीज का अनुभव किया है वह किसी विशाल ब्लैक होल का किनारा था। यह ब्लैक होल तब बनती है जब किसी विराट सितारे का अपना थर्मोन्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है। ये सभी ब्लैक होल किसी विशाल भंवर की तरह है, सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। अब हम परिक्रमा का अर्धचक्र पूरा करके वापसी के सफर में है। हम सौरमंडल की ओर लौट रहे हैं। मशहूर लाल मंगल पर पहुंच गए हैं। शानदार सफर खत्म हुआ और कुछ ही पलों में हम मंगल ग्रह में कदम रखने वाले हैं। जल्द ही हम फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ और सुखद हो। चाय।
चल sleeping on Mars. This is the place of Mars where my friend is going to sit down, and now my friend starting searching on the soil of Mars. He is a great scientist now.